ये दिखाने के लिए तुम लोगों ने मुझे मूवी से यहाँ तक बुलाया? भूमि, अब तू ही इसे बता कि आगे क्या होगा। अजीब सा घर है ये। जल्दी से काम खत्म करके निकलना होगा यहाँ से। चाहिए चाय, पानी या जूस? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आरती जी, चलिए, जाने का टाइम हो गया। कहाँ आप कहाँ ले जा रहे हो रामू काका? इतने सारे सवाल मत पूछिए, खामोश रहिए और मेरे पीछे पीछे चलिए। मैं यहाँ आपके ऑर्डर सुनने के लिए नहीं हूँ। आपको जाना है, फौरन चले जाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा बताइए कहाँ जाना है? आप मेरे पीछे पीछे चलिए। यहीं पे खड़े रहो और मेरा इंतजार करो। फिर कब तक? जब तक मैं वापस ना हूं। और सुनो, यहीं से कहीं जाना नहीं। आई क्यों नहीं? एक लड़की के वहां जाने से इतना सब कुछ सोच रहे हो तुम लोग? हाँ, और ये सब जो तुम लोग सोच रहे हो ना यार, इनमें से कुछ भी बात सच नहीं है। अरे मर्डर, वो भी मेरे जीजा जी? रियली? मैं सच कह रही हूँ, पिछले एक हफ्ते से मैंने दो लड़कियों को वहां अंदर जाते हुए देखा। देखिए, अगले दिन ही उनकी मौत होगी, वो भी अजीब तरीके से। देख त्रिशा,
प्लीज बुरा मत मान। हम दोनों को ऐसा लगता है कि तेरे जीजा जी का हाथ है इन सब के पीछे। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अभी देखा तुम लोगों ने? हाँ। अरे यार वो गई ना सही सलामत वो लड़की। और तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोग जीजा जी को फंसाना चाहते हो? हाँ? नहीं त्रिशा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे याद है तूने एक बार मुझे एक बात बताई थी, तेरी दीदी के मरने के बाद तेरे जीजाजी कुछ बदल से गए, तुझसे बात भी नहीं कर रहे। इनफैक्ट उस इंसिडेंट के बाद तू तो कभी उनके घर भी नहीं आई यार। बदलने का मतलब ये नहीं होता है ना कि वो साइको किलर बन गए। ओके, तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी कि दोनों की मौत कोइंसिडेंस नहीं हो सकती, जो इस घर में आने के बाद अगले दिन ही मर गए। त्रिशा, हम दोनों ना सीआईडी को इन्फॉर्म करने वाले थे, लेकिन हमने ये सोचा कि पहले तुझे बताना जरूरी है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि आज जो लड़की उस घर से निकली है वो कल अजीब ढंग से मर जाएगी, और उस लड़की का मर्डर ये जीजा जी करेंगे? इसे बिल्कुल उसी तरीके से मारा गया है जिसे पिछले दो लोगों को मारा था। इसके भी शरीर से पूरा खून निकाल लिया गया है। इसके गले पे भी ठीक वैसे ही निशान है जैसे पिछले दोनों बॉडीज के गले पे थे। सर, मैं तो कहता हूँ ये किसी वैम्पायर ने किया है। वो अपने बड़े बड़े नोकीले दांत गर्दन में गाड़ के स्ट्रॉ जैसे हम लोग कुछ पीते ना वैसे खून पी जाता है। सर, सर मैंने किताब में पढ़ा था। सर ये किचन। किचन वो भी जला हुआ है, या तो इस लड़की का हो सकता है या फिर का। इस किचन के बारे में पता करो, शायद खूनी के बारे में पता चल जाए। सर, साहब, साहब, कल रात वाली लड़की आरती, क्या हुआ उसे? सीआईडी को लाश मिली है उसकी। जीजू कहाँ है? हाँ जीजू, 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 जीजू। अरे त्रिशा, तुम सरप्राइज, तुमने बताया नहीं, फोन भी नहीं किया। हाँ जीजू, दरअसल कुछ जरूरी काम आ गया था इस वजह से यहाँ पे आ गई। अब तुम बैठो, मुझे एक अर्जेंट काम है, मैं अभी खत्म करके आता हूँ। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम जीजू, कैरी ऑन कैरी ऑन। साहब, आपको एक बात बतानी है। इसे भी अभी आना था। हमें किसी तरह त्रिशा को यहां से भगाना पड़ेगा। मैं काम करता हूं, नीचे की प्रॉब्लम सॉल्व करके आता हूं, ठीक है? मैं भी आता हूं। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, उन पे नजर रखो। ले लो तुम हमारे साथ। ये कहाँ जा रहे हैं यार? मुझे
रामू काका एक ग्लास पानी मिल सकता है? एक्चुअली बहुत तेज प्यास लगी है, प्लीज। देख मैं तुझे बोल रही हूं, कुछ तो गड़बड़ है यहां पे। ये सब के सब मिले हुए, कल रात हमने जिस लड़की को देखा था वो भी दूसरों की तरह मारी गई। यार मुझे ना तेरी बातों पे पहले ही बिलीव कर लेना चाहिए था, पर तुझे पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पुलिस के पास जाने से पहले मुझे इसी घर से सारे सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, वो कैसे करूंगी? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? रामू काका का ध्यान मैं भटकाऊंगी। अरे पर कैसे? तू रुक, क्या कह रही है? क्या कर रही है तू? ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? जानते हो यहां सब कितने कीमती सामान है? रामू काका हम तो घर देख रहे थे, वो गलती से हाथ लग गया। अगर सांप को पता चला तो हंगामा खड़ा कर देंगे। I'm sorry. Sorry, रामू काका, वो गलती से। बॉस, इसके हाथ पे जो निशान है जरा गौर से देखो, बात समझ में आ जाएगी। दरअसल एक इंजेक्शन का निशान है। इंजेक्शन मतलब पहले से इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया और फिर इसका खून निकाला गया। राइट। पर सर ऐसा काम तो कोई हैवान ही कर सकता है। सर उस टूटे हुए कीचेन का पता चल गया है। क्या पता चला है? सर वो लोगो पेगासस नर्सिंग होम का है और वो कीचेन सिर्फ वहाँ के एम्प्लॉयज को दिया जाता है। उस नर्सिंग होम के मालिक डॉक्टर कार्तिक हैं, जो एक बहुत ही मशहूर प्लास्टिक सर्जन है। डॉक्टर कार्तिक, प्लास्टिक सर्जन, पेगासस नर्सिंग होम। यहीं पे तो गए थे ये लोग, यहां से कहां चले गए? कौन है? कौन है यहाँ? ये जगह मैंने आज तक नहीं देखी। यहाँ पे ऐसा क्या है यहाँ पे जो ये लोग छुपा रहे हैं मुझसे?
तुम यहां क्या कर रही हो? वो दरअसल मैं भटक गई थी तो गलती से मैं यहां पर आ गई। शान आवाज कैसे यहां पे? मेरे ख्याल से तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को अब यहां से जाना चाहिए। यहां पर किसी को आने की इजाजत नहीं है क्योंकि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। नहीं, वो उनके कहने का मतलब ये है कि घर का ये हिस्सा बहुत पुराना है और यहाँ पड़ी चीजें पुरानी भी हैं और टूटी हुई हैं। तुम्हें चोट लग सकती है, इसीलिए हम यहाँ पर किसी को आने नहीं देते। अब तुम जाओ, मुझे भी तैयार होना मीटिंग के लिए, जाओ। नहीं, मैं आज इसलिए आई थी कि मैं आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाऊँ। तुम मेरे साथ वक्त स्पेंड करना चाहती हो ना, तो हम कल दिन में मिल सकते हैं। लेकिन आज रात को तुम अपने दोस्त के यहाँ रहो, सुमन के यहाँ पर। प्लीज मुझे साहब, मैं इन्हें सुमन के घर ले जाता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। जाओ त्रिशा। पर जिद मत कर, जाओ। डॉक्टर कार्तिक जी, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? पर यहां कैसे? हम आपसे इस किचन के बारे में कुछ जानने आए हैं। तो ध्यान से देखिए, इस किचन को पहचानते हैं आप? ये किचन तो मेरे हर एक एम्प्लॉय के पास होगा, लेकिन बात क्या है? ये किचन हमें एक लाश के पास से मिला है। लाश? पर लाश के पास किचन कैसे मिल सकती है? यही जानने के लिए हम लोग भी आपके पास आए। हो सकता है ये खूनी आपकी कंपनी यानी आपके नर्सिंग होम से कोई हो। आपका किचन देख सकते हैं? वो किचन मेरे ड्राइवर के पास है, वो गाड़ी लेकर गए हैं, अभी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। क्या आप इन तीनों में से किसी को भी पहचानते हैं? कौन है ये लोग? इन तीनों का खून हुआ जी? नहीं, मैं इनको नहीं जानता। ये लीजिए रामू का कागज। सर, गाड़ी की चाबी दिखाएंगे? दे दो रामू का। ये लोग सीआईडी से। किचन तो एकदम ठीक ठाक है, इसका मतलब खूनी कोई और है। एनीवेज, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन। थैंक्स। साहब, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साहब। क्या? आपकी साली अपने आप से नहीं आई थी, उसे बुलाया गया था। क्या? जब मैं उन दोनों को छोड़ने गया था तो मैंने देखा को हमारे बारे में पता चल गया है। मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है साहब। साहब, आपको इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। वरना ये लड़की सब गड़बड़ कर देगी। सर, इन तीनों लड़कियों में एक चीज कॉमन है, ये तीनों लड़कियां अल्टरनेटिव हीलिंग यानी कि दवाइयों के अलावा किसी और तरीके से बीमारी को ठीक करने में यकीन करती थी। तुम्हारा मतलब है
जड़ी बूटियां, ध्यान लगाना, योगा वगैरह। यस सर। फिर भी जो कुछ भी हो, इन तीनों खून का डॉक्टर कार्तिक के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर, हमने पता किया, ऐसा कोई कनेक्शन मिला नहीं। ये कैसे हो सकता है? कनेक्शन नहीं कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर वो चाबी, पेगासस नर्सिंग होम की चाबी आरती के लाश के पास कैसे आई? सर, बिल्कुल इसी तरह के कीचेन डॉक्टर कार्तिक की वाइफ दीप्ति को भी दिया गया था सर, लेकिन सर उसकी तो मौत हो गई थी एक साल पहले एक्सीडेंट में। दीप्ति, कार में मौत, गाड़ी पहाड़ी से नीचे गिर गई, गाड़ी में आग लग गई, उसी आग में दीप्ति भी जलकर मर गई। कोई और बात नहीं थी, सिर्फ एक्सीडेंट ही था। जरा वो किचन देना तो सर। जला हुआ है, कहीं ये दीप्ति का तो नहीं? अगर ये किचन दीप्ति का है तो फिर हादसे वाली जगह पे कैसे पहुंचा, और वो भी एक साल बाद? वही तो। हेलो, क्या, कहां? ओके सर, एक और लाश मिली है। सर, ये मेरी फ्रेंड है सर, भूमि। सर, दरअसल भूमि ने भी बताया था कि वो लड़कियां जिनका खून हुआ था वो डॉक्टर कार्तिक के घर पे गई थी और सही सलामत भी वहां से निकली थी, पर उसके उसके अगले दिन ही उनका खून हो जाता था। तो ये भूमि भी डॉक्टर कार्तिक के घर गई थी क्या? नहीं नहीं सर, सब मुझे लगता है कि डॉक्टर कार्तिक को पता चल गया था कि भूमि ने हमें सब बताया, और कल रात को रामू काका को हम पे नजर रखते हुए मैंने देखा था। ये भूमि के अलावा जो भी लड़कियां डॉक्टर कार्तिक के घर गई थी और जिनका खून हुआ है, ये सब के सब डॉक्टर थे, मतलब अल्टरनेटिव हीलिंग से जुड़ी हुई थी, है ना? एक डॉक्टर के घर पे इस तरह के डॉक्टर्स का जाना क्या मकसद हो सकता है? ये डॉक्टर कार्तिक कुछ बीमार बीमार थे क्या? सर, मैंने पता लगाया है, उसके बाएं पैर में कुछ तकलीफ थी। सर, जब मेरी बहन मारी गई थी तो डॉक्टर कार्तिक भी उसी गाड़ी में थे, और खाई में गिरने से पहले उन्होंने गाड़ी से छलांग मार दी, जिसकी वजह से उनके पैर में चोट आई थी और वो आज तक कभी नॉर्मल नहीं चल पाए। अच्छा, तो शायद इस वजह से डॉक्टरों का आना जाना है उनके यहाँ। एक डॉक्टर से हम भी मिलवा देते हैं उन्हें। मिस मेलेनी, यू मस्ट बी मिस्टर कार्तिक। जी, मैं ही कार्तिक, और ये रामू काका। मैंने सुना है आप जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाती हैं। जी हाँ, मैं जड़ी बूटियों को गर्म करके उनका अर्क निकालती हूँ और वो अपने पेशेंट्स को देती हूँ, उसकी सुगंध उन्हें ठीक होने में मदद करती है। आपके पैर में चोट है, आइए मैं देख लेती हूँ। नहीं, मैं पेशेंट नहीं। एक बार सारी तैयारियां हो जाएं, पेशेंट से भी मिलवा दूंगा, तब तक आप बैठिए। नीलू, मेलनी जी के लिए जूस लेकर आओ। आप बैठिए, मैं अभी आता हूं। ओके। Okay.
सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है सर। सर पूर्वी वहाँ अकेली और तीन लड़कियों का खून हो चुका है सर, हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी उसे वहाँ भेज के? पंकज पूर्वी एक सीआईडी ऑफिसर है, ये उसका काम है। सर मैं जानता हूँ सर, मगर मुझे टेंशन हो रही है सर। सर वो उसे कुछ होगा तो नहीं ना? हम लोग सीआईडी में काम करते हैं, सुबह जब घर से निकलते तो पता नहीं होता कि शाम तक हम लोग घर वापस पहुंच पाएंगे या नहीं। ये खतरों से खेलना, मौत, ये सब हमारे साथ ही है। और पूर्वी खुद ये काम करना चाहती थी। चौथा आदमी कौन है? सर पता नहीं, कार्तिक कह रहा था कि वो पेशेंट से मिलाएगा। ठीक है, नजर रखो। ये लीजिए जूस। अरे जूस मत पीना, जूस मत पीना। ये कैमरा को क्या हो गया? पूर्वी सर, ओह नो, लगता कुछ गड़बड़ है, चलो। डॉक्टर कार्तिक दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो डॉक्टर कार्तिक। सर सर लगता है पूर्वी खतरे में। सर तुम दोनों यहीं पे रुको, अंदर नहीं आना। तो खाली है, कोई नहीं है। पूर्वी यहां इस कॉच पे बैठी थी। सर ये पूर्वी का ईयरपीस, ये पग, पूर्वी का बैग और ये कैमरा, देखो जरा आसपास, पूर्वी यहीं कहीं होनी चाहिए। सर उस तरफ कोई नहीं है, ना रामू काका और ना मेड नीलू। और सर यहाँ पे भी कोई नहीं, सब भाग गए यहाँ से। मतलब उनको पहले से पता था कि पूर्वी एक सीआईडी ऑफिसर है। सर सर इस घर के नीचे एक तहखाना है, मैं आपको लेके चलूँ? तुम्हें दया सर ने बाहर रहने के लिए कहा था ना? इट्स ओके, कहाँ पर है तहखाना, हो सकता है वो लोग वहीं छुप के बैठे हो। सर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, लगता है सब भाग गए। ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग तो लगातार इस घर के पर नजर रखे हुए थे, हमारे सामने तो कोई बाहर नहीं गया। सर हो सकता है यहाँ से बाहर जाने का कोई यह रास्ता हो, या फिर फिल्मों की तरह कोई खुफिया सुरंग। सर ए, कौन है वहाँ? ए, रुक जाओ, रुक जाओ, कौन हो तुम?
देखो घबराओ नहीं, हम लोग सीआईडी से तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कौन हो तुम और ये? दीप्ति। सही है मेरी बहन है सर। तो फिर डॉक्टर कार्तिक ने तुमसे झूठ क्यों कहा कि मर चुकी है? सर, नहीं जानती सर, झूठ क्यों बोला? सब मुझे बोला गया था कि एक साल पहले दीदी की मौत हो गई है। आपको पता है हमारे पहुंचने से पहले इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। हमें एक हो रहे। सर, अगर डॉक्टर कार्तिक की वाइफ जिंदा है तो अपने परिवार वालों से उन्होंने झूठ क्यों बोला कि वो मर चुकी है और उनका इलाज करवाने की बजाय यहाँ बेसमेंट में बंद करके रखा हुआ है? सर, मुझे तो लगता है ये जो भी हो रहा है ना, वो यही कर रही है। सर, लेकिन पूर्वी कहाँ है? ऐसी नहीं लग रही है कि मैं अकेले यहां से निकल पाऊं। किसी भी तरह दया सर को बताना होगा। हाँ, हो जाएगा। अरे टेंशन नहीं लेने का भाई, सब हो जाएगा। हाँ। अबे लड़की किधर गई? फटाफट देख, नहीं मारे जाएंगे। चल फोन उठाई। हेलो सर। हेलो पूर्वी, तुम ठीक हो? सर ठीक हूँ सर। सर वो कहाँ हो तुम? पता नहीं सर, कुछ पता नहीं ये जगह कहाँ, कैसे कहाँ पर है। सर मैं ये फोन मैं छुपा देती हूँ। आप इस जगह को ट्रैक कर लीजिए। पूर्वी मयूर, काम करो, दीप्ति को हॉस्पिटल ले जाओ। अब पंकज, इस नंबर की लोकेशन को ट्रेस करो जल्दी। बस कुछ देर और उसके बाद। ए, देखना कौन है उधर, देख।
पूर्वी, 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 लगा कि सबके पीछे ये लोग हैं, तो फिर ये सब कर कौन रहा है? रुक जाओ, वरना ये मारी जाएगी। त्रिशा, तू? हाँ, मैंने किया ये सब, और अब आप लोग मेरे पास मत आना। नहीं तुम्हें? बहुत बड़ी भूल कर रही हो तुम। ये सब करके तुम बच नहीं पाओगे। बचकर तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। आप सोचिए कि आप लोगों का क्या होगा। आप लोग की मौत का मैंने बहुत बढ़िया इंतजाम किया। इस जगह चारों तरफ डायनामाइट लगे, और अगर आप लोग मेरे पास आए ना, एक बार मैं इस जगह को और आप लोगों को उड़ा दूंगी। लेकिन तुमने उन सब लड़कियों को मारा क्यों? डॉक्टर कार्तिक से बदला लेने के लिए। मुझसे क्यों? जो तुमने मेरी दीदी के साथ किया, उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी थी ना। वो तुम्हारे चंगुल से भागना चाहती थी, नफरत करती थी वो तुमसे। और आपको पता है, वो रोती थी इनके सामने, गिड़गिड़ाती थी कि उसको छोड़ दो। लेकिन साथी को जरा सी भी दया नहीं आती थी, बल्कि उनको मारता था, पीटता था, उनको मेंटली टॉर्चर करता था। ये झूठ है, झूठ है ये सब। सच तो यह है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। झूठ बोल रहे हो कौन साहब? तुम कोई प्यार नहीं करते थे उनसे, उनको धोखा दे रहे थे, उनको चीट कर रहे थे। और जब उन्होंने तुम्हारी अगेंस्ट आवाज उठाने की कोशिश की, तो तुमने उनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी। इसलिए मैंने प्लान बनाया और सारी लड़कियों को मार दिया। और ये CID ऑफिसर को मारने का भी प्लान मैंने बनाया, जिससे सारा का सारा इल्जाम ये डॉक्टर कार्तिक पे जाए। मेरे आदमी उनको बेसमेंट के सीक्रेट दरवाजे से यहाँ तक लेकर आए थे। बहुत साल पहले दीप्ति दीदी ने मुझे सीक्रेट दरवाजे के बारे में बताया था। लेकिन त्रिशा, तुम्हारी दीदी अभी जिंदा है। कार्तिक ने दीप्ति को नहीं मारा है। हाँ, तुम्हारी बहन को बचाने के लिए कार्तिक ने उसे तहखाने में बंद किया था। अगर बचाना चाहता था तो हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर गया? उसको बेसमेंट में मरने के लिए क्यों छोड़ा इसने? क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी के खून के इल्जाम में वो जिंदगी भर जेल के पीछे सड़े। जिस रात एक्सीडेंट हुआ, उस रात मेरी बीवी ने मेरी सेक्रेटरी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर जानबूझकर गाड़ी पहाड़ी के ऊपर से गिरा दी, क्योंकि उसे लगता था कि मेरा मेरी सेक्रेटरी के साथ कोई अफेयर चल रहा है। वो तो बच गई, लेकिन सेक्रेटरी की मौत हो गई। क्यों? और तुमने उस सेक्रेटरी को अपनी बीवी बताकर उसका अंतिम संस्कार भी कर लिया। क्यों? सर, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। मैंने उसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, जी तोड़ कोशिश की, हर किस्म का इलाज करवाया, लेकिन
उषा, तुम्हारी बहन अभी भी जिंदा है, बंद करो ये सब। मैं जेल नहीं जाना चाहती हूँ। आप लोग मुझे यहाँ से जाने दीजिए, नहीं तो मैं पूरी जगह उड़ा दूंगी। सर सर, पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब लगा दिया सर, और सबको एक साथ डिफ्यूज करना बहुत मुश्किल है। उषा देखो, पूर्वी को संभालो जल्दी। पूर्वी पूर्वी चलो चलो यहां चलो। तुम अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहती थी, जो कभी मरी नहीं। बेवजह इतने लोगों का खून किया तुमने, गुनाह की सजा तो सबको मिलेगी। डॉक्टर कार्तिक, तुम्हें गुनाह छुपाने के लिए, पर तुमने तो गुनाह किया है, शायद फांसी होगी तुम्हें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।